यू टू फैमिली। सो कैसे हो आप सब? तो आप सोच रहे होगे कि मैं आपके साथ ब्लॉग क्यों शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ वेडिंग सीरीज़, क्योंकि मेरी सिस्टर का है आज से, मतलब स्टार्ट हो गया सारे फंक्शन वगैरह, क्योंकि सारे जो है गेस्ट आज से आना स्टार्ट हो गए हैं। और आज क्या है दीदी? उर्दी। तो गांव में इसको उर्दी के नाम से बोलते हैं। फर्स्ट डे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा वेडिंग तक, पूरा आज से गाना स्टार्ट होगा। मतलब जो गांव में सब गाना वगैरह औरतें आके गाती हैं समूह में ग्रुप में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और दीदी यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपको इनसे भी मिलवाती हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है आपके घर इतने सारे लोग और आपके लिए गाना गा रहे हैं आगे? मेरे नेट खत्म हो गए। हम पूछ रहे हैं क्या बता रही हो, क्या बताओ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा भी गाने का मन कर रहा है। चलो गाओ। तो मम्मी अभी आ रही है उधर गाना गा के, देखो इनका तो नॉर्मल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टीका लगा हुआ है, वहाँ जा खींच लिया हो ना। जा रहे हैं। तो मेरा फेस जो है सूजा सूजा लग रहा है, क्योंकि मेरा जो है कल एग्ज़ाम है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। दीदी से खूब मैंने पूछ पूछ के पढ़ाई किया और देखते हैं कैसा आता है मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट। और कल मेरा एग्ज़ाम है, आज तो आज से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो इनको देखो, मैं ऐसे बुला रही थी तो नहीं आ रही थी, इनको टॉफी का लालच दिया तो डगालू तुरंत आ गई। दे रही हूँ डगालू, रुक जाओ। आज क्या है डगालू बुआ का? शादी। तुम इधर आओ। अच्छा, सारे लोग इधर आओ। सारे लोग आ गए हैं, टॉफी खाएंगे तमाशा। अच्छा, सारे लोग आ गए और टॉफी खाएंगे ढेर सारा ना। डगालू, अच्छा तुम बुआ की शादी में क्या पहनोगी? लहंगा। कौन बनाया है? मैं बनाई होगी, माई बनाई है। तू? मैं बनाई हूँ ना। किस कलर का है बता दो सबको। गुलाबी कलर है डगालू को पता है। मेरा कैमरा मत हिलाओ इतना। तो आप देख सकते हो मेरा फेस बहुत ज़्यादा सूजा है यार, मैं सो के पढ़ रही थी, मतलब लेट के पढ़ रही थी। तो यार कोई भी फंक्शन होता है और एग्ज़ाम है तो टेंशन बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं, डगालू है मेरे पास, डगालू को खिलाते हो थोड़ा। चलो तब प्रोग्राम दिखाते हैं। हाँ, टॉफी खाना, इधर आओ। ये है परी और ये है डगालू। परी तो बहुत खेल रही है और मैं अभी अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया। कैसा लग रहा है मेरा फेस? बहुत सूजा सूजा। हाँ, हटा दो मेरा बाल मेरे फेस पे आ रहा है, लग रहा है मेरा बाल छोटे छोटे हो गए हैं। ये देखो, इतने सारे मिलके मेरे बाल को सही कर रहा है। बाल निकाल के हाथ में मत ले लेना। तो मैं जा रही हूँ दूध लाने ना, जाओ। तो अभी मेरे पास टॉफी नहीं है, मार्केट से लाऊंगी ना। हाँ, जाओ बाय। ये दीदी की शादी के लिए मूली बोया गया है खेत में, और देख सकते हो इस मूली का हालत क्या हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं बोए हुए और इसका पत्ती जो है ना, लीव्स जो है वो सूख रहे हैं। तो 2 मई को है शादी, आज है 28 अप्रैल, कुछ दिन में दीदी की शादी हो जाएगी। तो ये मैं मूली चेक करी थी, अंदर से ख़राब नहीं हो गया? नहीं, तो अभी ठीक है। तो ये भी एक दो दिन में टूट जाएंगे, नहीं तो सारे लोग आके इसको तबाही मचा देंगे पेड़ पे। जाओ मोनी, खड़ी हो, देखो कहाँ तक है तुम्हारे। बहुत नीचे, यहीं तक हो रहा है। एक यहाँ पर छुट्टी पड़ी है, चला इधर से, हमने चला जाएगा। तो बुबू नाच रही है, देखो उधर वोट वाला जो है गाना बज रहा है, उसमें ही नाच रही बेचारी। अरे अरे, बाप रे, काटा थी हरी। अब तो भूल गए कि कृपा छोटा चीज रही तब। देखो लटका, तो ये बांस कट के आज ही आ गया। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले, 2 दिन है बेकार, वो हर दिन पड़े जाएंगे। बहुत लंबे लंबे बांस है, देखो इतने लंबे लंबे। 5 ठो है ना? हाँ, अरे 6 ठो है जी। अच्छा, 1 ठो टेढ़ा था ना? नहीं, 1 ठो टेढ़ा था। ये देखो कहाँ से एकदम खतरों के खिलाड़ी बनते हुए आ रही है यहाँ पे गाना गाने। इतने बड़े खेत की सफाई हो गई है जी, पापा जी ने किया है। तो आप देख सकते हो अभी बिफोर लोग इस खेत का, क्योंकि इसी में सजाई होगी शादी के लिए, और ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अभी कुछ ऐसा दिख रही है। चांदी की कटोरियाँ,
इसमें जाएंगे सबके लिए नमकीन और चाय। दीदी बना रही है चाय, तो लोगों के खान पान की तैयारी हो रही है थोड़ा थोड़ा नाश्ता के लिए। एक बार का थाली जो था वो भर के चला गया है, दीदी खाना बनाने में व्यस्त, खान पान हो रहा है, चाय नाश्ता। और याद है ना ही ना है पूजा ना माजा बैठो मैदान हो जाए कि मैं तो यहाँ पे मारो गाड़ने के लिए यहाँ पे खुदाई स्टार्ट हुई है, स्टार्ट किया है किसम दिया ने। तो अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ, सुबह से नहा रही हूँ, अभी सो गए थे मैं हम जाके पानी का पत्ता। अब मैं जा रही हूँ नहाने, अभी मैं सोप ली हूँ क्योंकि सोप मेरा खत्म हो गया था, तो मैं नहा कर आती हूँ फटाफट से। क्या बात है, ये बेचारा छोटा बच्चा लगा पड़ा है निकालने में उस मिट्टी। बुआ सुबह सुबह पहन के पहन ली येल्लो येल्लो, भी येल्लो येल्लो पहनी है, मेहंदी लगा के मस्त हो गई है। एक दो तीन, अरे हाँ ये तो मोहित भी पहना हुआ है, मोनी भी पहनी हुई है। तुम लोग तो सुबह सुबह से येल्लो पहन के घूम रहे हो, दादी येल्लो और ग्रीन पहन के घूम रही है दोनों दिन के लिए। दिखाओ देखो डगालू मेहंदी लगा के और मीटर लगा के भी चली आई, चलो सही है, तुम दिखाओ अपना, चलो अब घूमो तुम लोग, सुखाओ इसको। दीदी येल्लो येल्लो साड़ी लेके आ रही है बैकग्राउंड बनाने के लिए। अरे हाँ आज तुम लोग थोड़ा थोड़ा येल्लो पहनी है, वही ना तो बीच का सेंटर वाला है वहाँ पे गड़ाएगा पहला बास। लीची ला चुका है बलून नाड़ों में गाड़ने के लिए, चलो चलो रुको खोल रहे हैं, बहुत दूर से जाना पड़ा कालीचे भाई। वाला बास खड़ा हो रहा है, देखो कितना बड़ा है, बड़ा बास का पेड़ मेरे खेत में लग गया है। यहाँ छप गया, गया था नया नया कपड़ा पहने गया था फिर आ गया ऐसे ही। अरे बाप रे पांच से ज्यादा पूरा छाप दे ली, उठ के ली तो पूरा मेहनत वसूल ले ली। देखो इतने सारे लोग हो गए, अभी तो बहुत जनसंख्या कम थी लेकिन अब बढ़ गए। बग मैं भी जा रही हूँ, ड्रेस चेंज करूँगी, चीज़ें लगेंगी, चलो अब इसके बाद तैयारी हो जाएगी तब दिखाऊंगी।
तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और कल कंटिन्यू करूंगी। बाय। बस नाचा दिन और सारे लोग बैठे हैं, ये सब कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो मेरे वीडियो में बोलो अपने मन से कुछ भी बोलो। ये देखिए हम लोग हल्दी के फंक्शन में हैं और बैठे हैं, ये मेरे सिस्टर लोग हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ अब हाँ रुक जाओ, अब यहीं पे खत्म करते हैं।